अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, आज सफ़र स्टार्ट हो रहा है तो माशाल्लाह ये देखना चाहिए पंजाब जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं या लखनऊ जा रहे हैं, तो ये तीनों में से कोई अगर एक जगह जाने वाले तो सफ़र में वीडियो में आपको जानकारी देंगे। बने रहे हमारे साथ, अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में बहुत खास है ये देखना चाहिए आपने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज सफ़र स्टार्ट हो रहा है मेरा, देख लिए ये कपड़े कितने जोड़े कपड़े हैं। तो ये तो नया है, जैसी क्या उसी जब से मैं चल रहा शिहाब भाई के साथ माशाल्लाह, जैसी क्या उसी पड़े हुए हैं। ये पहना भी नहीं मैंने इनको अभी, ये जितने भी कपड़े नए नए कपड़े नए शर्ट है सभी, तो आज बैग तैयार कर रहे फिर से सफ़र के लिए। ये होलने के लिए जो रग है, शाल बोलते हैं इसको, और ये टी शर्ट तो आपको पता ही, मोज़े, और ये बैग है हमारे अब्दुल्ला भाई का बैग है, और ये जा नमाज है माशाल्लाह, जो ख़ास चीज़ है जा नमाज है नमाज के लिए। तो आज सफ़र फिर से स्टार्ट हो रहा है माशाल्लाह, ये देखना है लास्ट तक बने रहे आप किधर जाते हैं सफ़र के लिए। तो ये हमारे हफी साहब के बच्चे हैं, क्या नाम तेरा? हसन। ये इसका नाम क्या है? अब्दुल अन्नान। तो ये यहाँ मैं जो आराम करता था रात में, और बिल्कुल ठंड नहीं बसती थी यहाँ, बहुत अच्छे हमारे हाफी साहब, ये साजिद हाफी साहब माशाल्लाह। तो इनके वहाँ रुका था मैं माशाल्लाह, साजिद हाफी साहब के वहाँ बहुत अच्छे से खिदमत की है उन्होंने। तो आपने नाद भी देखे होंगे, बहुत प्यारी आवाज़ में नाद शरीफ हमने बहुत से अपलोड करे, अजंता न्यूज़ पे जाके देख सकते हैं। आज यहाँ से सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं मुरादाबाद से, अब ये देखना है शिहाब भाई के पास जाते या किधर लेके जाता सफ़र। तो बने रहे हमारे साथ, तैयार होगा और रेडी हो गए हम जाने के लिए। हमारे हफी साहब के तीन लड़के, उनके अम्मा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अच्छे ना? दुआ में याद रखना। हाँ, आप भाई पैदल जा रहा, मैं शिहाब भाई के पास से आया था, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सफर सही, सफर सही करा है। और जस तो माशाल्लाह दुआ करना शिहाब भाई के लिए, तो माशाल्लाह दुआ करेंगे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, तो हमारे हफी साहब के वालिदा हैं। तो माशाल्लाह आपने भी दुआ करना हफी साहब शिहाब भाई के लिए जितना हो सके, और तमाम भाई को सबकी बोलना दुआ करना चाहिए जल्द से जल्द शिहाब भाई का सफ़र आसान हो जाए। तो माशाल्लाह ये थे हमारे हफी साहब का छोटा सा परिवार जो आपको बहुत अच्छी तरीके से खिदमत की। और अगला सफ़र किधर कर रहे हैं हम, ये आपको वीडियो में बने रहे, हम शिहाब भाई कहाँ जा रहे हैं या किस तरफ जा रहे हैं ये देखना चाहिए आपने। फिर से हाथ रख दो सिर पे, तो माशाल्लाह हमने शिहाब भाई के लिए भी दुआ का बोले और सफ़र स्टार्ट हो रहा है। तो चलो चलते हफी साहब, हफी साहब के परिवार से आपको मिला है, तो बने रहे हमारे साथ माशाल्लाह, बहुत खास वीडियो होने वाला है आज का। पर हमारे दोस्त भी है तो आज इनसे भी मुलाकात हो रही, तो माशाल्लाह आएंगे आपको किधर सफ़र हो रहा हमारा आज। ठीक है, ओके ओके ओके। हमारे जो बुजुर्ग मिले हैं, क्या भाई के लिए क्या बोलना चाहेंगे? शुरू हो उनका सफ़र। आमीन आमीन, जल्द से जल्द स्टार्ट होना चाहिए सफ़र। देखिए तो भाई आपसे पूछनी है हम शिहाब भाई के लिए, आप वीडियो देखते हैं शिहाब भाई के? बिल्कुल देखते हैं। तो क्या बोलना चाहिए? उनका सफर जल्द शुरू हो, अभी तक तो मंजिल आसान हो। अच्छा, अभी तक तो फेकू न्यूज देखते थे तुम? अभी बहुत फेकू न्यूज देखी है अब तक। आप क्या बोलना चाहेंगे दूसरे के लिए? दूसरे के लिए फेकू न्यूज ना बनाए, वो सही सही वीडियो डाले, अगर करना भी चाह रहे लोड करना चाह रहे हैं तो अपलोड उस पर। बिल्कुल, तो यही सही अपडेट देना चाहिए। और शिहाब भाई से माशाल्लाह भी, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितने भी भाई दुआ करना शिहाब भाई का सफर करते हैं स्टार्ट हो जाए। आमीन आमीन आमीन। चलो हाजी जी, शिहाब भाई के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? अरे बस अल्लाह ताला उनके नेक इरादों को कामयाबी दे। आमीन आमीन। तो उनके लिए दुआ करना क्या भाई, सफर जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह सभी लोगों से हमने बात की शिहाब भाई के लिए जो बारे में, तो अभी तक यहाँ सब लोग फेक न्यूज देखते थे जो शिहाब भाई पाकिस्तान पहुँच गए, जो फेक न्यूज के लिए क्या बोलना चाहिए? अरे वो तो बकवास है, सब झूठे हैं, झूठी न्यूज दे रहे हैं। तो ये थे सभी से मुलाकात की, हमारे हफी साहब से भी जो यहाँ के इमाम साहब हैं उनसे भी मुलाकात की, और बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके। तो बने रहे हमारे साथ, आगे के सफ़र की जानकारी आपको हम वीडियो में देंगे। तो हम आगे मुरादाबाद और दिल्ली हाईवे पे, एक तरफ लखनऊ जा रहा रोड
और एक तरफ दिल्ली जा रहा है, ये दोनों में से हम सफर तय करेंगे, लखनऊ तरफ या दिल्ली तरफ, ये आपने कम वीडियो में देखना चाहिए।